हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल एस पी के एच मुंडे में। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इसी तरह की जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल पर अपडेट होती रहती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां पर क्लिक करते ही डायरेक्ट आप इस पेज पर आ जाओगे, जहां पर आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर हमें एग्जामिनेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर जो है हमें एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हमने क्लिक किया था, तो यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस ओपन हो चुका है, जहाँ पर हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो हम डाउनलोड करने वाले हैं 2019-20 के लिए, तो यहाँ पर हम 2019-20 के लिए क्लिक कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया 2019-20 के लिए, तो यहाँ पर हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप कर लेंगे, यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। अगर दोस्तों हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो हम यहाँ पर अपने रोल नंबर से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे हमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, यहाँ पर जो क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर रोल नंबर, तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने जो है कुछ अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमसे अपना रोल नंबर मांगेगा। यहाँ पर हमें रोल नंबर फिलअप कर देना है। रोल नंबर फिलअप करने के बाद एग्जाम टाइप चूज करना है, जो कि हम कर रहे हैं। एग्जाम टाइप जो प्राइवेट है, रेगुलर है या एक स्टूडेंट है, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना कोर्स चुन लेना है, कोर्स हम कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पर हम चूज कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर अपना कोर्स चूज कर सकते हैं, BA, BSc, BCom, जो भी आप कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी है, यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।